हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा फैमिली चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं जस्ट गई थी पूजा में, औशान माता के पूजा में। तो वहाँ से मैं आई, मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं अपना यूट्यूब चेक कर रही थी, तो मैंने एक आरती बहन करके हैं, उनका चैनल का नाम है जिंदगी लेगी दोबारा, तो मैंने उनका वीडियो देखा। तो वहाँ पर वो बहुत रो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ये रो रही, तो मैंने उनका चैनल चेक किया, तो जाके मैंने उनका वीडियो देखा। तो उनके वीडियो में मैंने देखा कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ और विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग उनकी वीडियो जाके देखें। रीज़न ये था उनके रोने का कि उनकी पति की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। अभी 3 साल हुए उनकी शादी की और उनकी पति की दोनों किडनी फेल हो गई हैं और वो डायलिसिस पे हैं। तो मैं आप लोग से इतनी विनती करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना इतना शेयर करो कि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जो उनकी मदद कर सकें। शायद मेरे ही थ्रू ये वहाँ तक पहुँच सके जो उनकी मदद कर सकें। तो मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ, आप लोग आरती बहन की मदद कीजिए, उनकी पति की ज़िंदगी बच सके। भगवान ना करें कभी किसी के साथ ऐसा बुरा हो। तो मैं भी अभी औशान माता की पूजा से आई हूँ, तो मैं औशान माता से ये विनती करती हूँ, माता रानी आप उनकी सुहाग की रक्षा करना, उनके बच्चे को उनके पापा मिल सकें, आरती बहन का सुहाग बचा रहे। तो मैं आप लोग से भी निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जो आरती बहन की मदद कर सकें। तो यहाँ पर आरती बहन बहुत परेशान है कि उनके हस्बैंड की दोनों किडनी फेल हो गई है और उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो डेली डायलिसिस के लिए ले जा सकें। और आपको पता ही है डायलिसिस में खर्चा कितना आता है, कि हम एक नॉर्मल बीमारी के लिए जाते हैं, कुछ भी बुखार खांसी सर्दी जो भी हो जाता है उसमें कितने पैसे चले जाते हैं, और यहाँ पे तो बात डायलिसिस की है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना पैसा लग रहा होगा। तो मैं आप लोग से बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और जिससे बन सके आरती बहन की मदद कर सकें। तो यही थी हमारी आज की वीडियो की टॉपिक। तो मुझे उनका वीडियो देख के सच में बहुत बुरा लगा। मैं भगवान से यही विनती करती हूँ, भगवान आप किसी के साथ ऐसा ना करें कि कोई, अभी 3 साल ही हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उनका छोटा सा बच्चा भी है, कितने साल का है वो नहीं पता है। कहते हैं ना कि अगर शादी हमारी हो जाती है तो ससुराल में पति हमारा सब कुछ होता है, सास ससुर पूरा फैमिली सब हमारे होते हैं, बट अगर हस्बैंड नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो उनके बिना पूरा घर अंधूरा, पूरा जग सोना लगता है। तो आज आरती बहन ये कंडीशन पे हैं कि उनके लिए सब बेकार है, जब अगर हस्बैंड की तबीयत नहीं सही है, वो सही नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ ऐसा करिए कि आरती बहन के पति दीपक भाई ठीक हो जाएं, उनका डायलिसिस हो के वो अच्छे अच्छे से घर पे आएं। वैसे तो वो डायलिसिस के लिए जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं, इसके बाद ऐसा कुछ हो, चमत्कार हो जाए कुछ माता रानी की कृपा से कि आरती बहन के पति दीपक भाई ठीक हो जाएँ और उनकी मदद हो सके। तो हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हम इतने केपेबल नहीं हैं कि हम, हाँ मतलब हम ऐसे मदद कर सकते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, हम उनके लिए वीडियो बना दिए और हम ये उन तक पहुंचा सकें। मेरे ही थ्रू शायद माता रानी की यही इच्छा हो, मेरे ही थ्रू वीडियो उन तक पहुंच सके जो उनकी अच्छे से मदद कर सकें। प्लीज़ अगर आप उस लायक हैं तो आरती बहन की मदद ज़रूर करें। मैं आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सच में मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है, आरती बहन पे क्या बीत रही होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारा पूरा समाज आपके साथ है। हमारे समाज में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अगर ऐसी दुख की बात सुन के मदद ना करे। हमें तो ये उम्मीद है कि जो भी आपका जो भी आपकी ये हालात देखेंगे वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप निराशा बिल्कुल मत होइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल भी निराशा मत होइए।
और अपने बच्चों का ध्यान रखिए आप। और आप सबसे बड़ी बात है, आप दीपक भाई के सामने बिल्कुल भी निराशा मत होना, वरना वो आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे, वो अंदर ही अंदर एकदम निराश हो जाएंगे। तो आप उनके सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और देवी माता से, भगवान से बस यही प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमारी सिंदूर की लाज रखना, हमारा सुहाग बचाना और इन्हें अच्छे अच्छे से ठीक कर देना। देखो माता रानी की कृपा इतनी है ना, वो सब पे दया करती हैं, हाँ कभी आगे कभी पीछे। बट मैं ये आशा करती हूँ कि आज मैं अवशान माता की पूजा करके आई हूँ, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि माता रानी ज़रूर आप पे सहाय होंगी और आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम सब फिर एक बार अच्छे से आपके चैनल पे खुशी खुशी से आएंगे और आपसे पूछेंगे अब दीपक भाई की तबीयत कैसी है, और आप हमें बताएंगे कि अब दीपक भाई बहुत अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल भी निराशा मत होइए, हम सब साथ हैं, आप बहुत जल्दी दीपक भाई अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस प्लीज़, अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। सो आप लोग प्लीज़ आरती बहन की मदद करिए, इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नेम है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। सो प्लीज़ आप लोग जाइए, इनके चैनल पे विज़िट कीजिए और इनके चैनल को देखिए और जितना बन पड़े उतना सहयोग कीजिए। तो चलो अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, बाय बाय।